दोस्तों, ये मैं हूँ। ये छिंदवाड़ा ज़िले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। ये देखिए चारों तरफ का सीन क्या है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से पूरा देश प्रभावित है। हर दिन लाखों संक्रमित मरीज मिल रहे हैं और हजारों लोगों की जान जा रही है। तेजी से फैल रही कोरोना की इस दूसरी लहर के कारण देश के लगभग हर राज्य में मेडिकल सुविधाओं को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के एक अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीज ने जो वीडियो बनाकर वायरल किया है, वो वाकई स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल रहा है। पहले ये वीडियो देखिए, फिर ये मामला आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। अपने अपने काम में व्यस्त है और ये मेरे बेड के जस्ट ऊपर में एक विदेशी पंखा लगा है, जिसे देख देख के डर लग रहा है। कोरोना से डर नहीं लगता साहब, ये पंखे से डर लग रहा है। आप स्वयं देखिए, ये विदेशी पंखा रात भर सोने नहीं देता है। ऐसा लगता है अब गिरेगा कि तब गिरेगा। यहाँ पे स्टाफ को मैं कई बार बोल चुका हूँ, पंखा चेंज करवा दो भाई या मेरा बेड चेंज करवा दो। हाँ, अगर कोई नहीं सुन रहा है, सब कहते हैं कि हमारा काम नहीं है। भाई मैं कोई करवाना पड़ेगा क्या चेंज, या मेरा बेड चेंज करवा दो। कोरोना से पहले मैं कोई पंखा ही निपटा देंगे लग रहा है। कुछ दिन पहले संक्रमित मरीज ने अस्पताल के कर्मचारियों से निवेदन करने के लिए वीडियो बनाया। वीडियो के माध्यम से मरीज ने बताया कि उसके बेड के ऊपर लगा पंखा ठीक ढंग से नहीं चल रहा है और स्थिति ऐसी है कि कभी भी गिर सकता है। वीडियो में ट्विस्ट तब बढ़ गया जब मरीज ने दबंग मूवी के पॉपुलर डायलॉग का इस्तेमाल कर बोला कि कोरोना से डर नहीं लगता साहब, पंखे से लगता है। वीडियो के माध्यम से मरीज ने पूरे अस्पताल के बारे में बताया और पंखे की तरफ इशारा कर बताया कि किस तरह से उसके ऊपर लगा हुआ पंखा काम कर रहा है और कभी भी किसी भी समय ये पंखा उस पर गिर सकता है। कोरोना से संक्रमित मरीज ने इतना तक कह डाला कि कोरोना उसे मारे या ना मारे, लेकिन पंखा जरूर मार डालेगा। वीडियो में मरीज ने यह भी बताया कि छिंदवाड़ा जिले का सबसे बड़ा अस्पताल और मेरे सिर के ऊपर विदेशी पंखा लगा हुआ है, जिसे देख देख कर डर लग रहा है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म क्रू ऐप पर वीडियो के वायरल होते ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस पूरे मामले पर अपनी टीम को सक्रिय किया और अस्पताल में टेक्नीशियन को भेजकर पंखे को ठीक करवाया। हाँ भाई, अब बताओ किसे चेंज करें। हाँ बताओ भाइयों, अब किसे चेंज करें। पंखा चेंज करें कि बेड चेंज करूँ, कि स्टाफ चेंज करें, कि सरकार को चेंज करें। आप लोग बताइए भाई, कमेंट्स करो और शेयर करो कि ये विदेशी पंखा किसकी जान लेगा। हाँ कमेंट्स करके बताओ भाई, किसी को चेंज करना है, सरकार को चेंज करना है, स्टाफ को चेंज करना है, या पंखा चेंज करना है, या मेरा बेड चेंज करवा दो। तीनों चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके भाई, जय हिंद। ये है अपने देश की स्थिति। वैसे तो ये वीडियो देखने सुनने में बहुत फनी लग रहा है, लेकिन ये समस्या बेहद गंभीर है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।